खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। संघर्ष यात्रा के चौथे चरण में गिरिडीह के झंडा मैदान में बुधवार को आयोजित आम सभा में झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा सरकार आम लोगों पर अत्याचार कर रही है। बीते 4.5 सालों में गरीब, मजदूर, सरकारी कर्मचारी सभी सरकार से तंग हो चुके हैं। सोरेन ने भाजपा को गुंडों मवालियों को बढ़ावा देने वाली सरकार कहा। सभा की समाप्ति में झामुमो नेता जगन्नाथ राणा की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। मौके पर दिनेश यादव, सुदिव्य कुमार, सोनू निजामुद्दीन अंसारी आदि के साथ साथ बड़ी संख्या में झामुमो नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। खबर 365 न्यूज के लिए झारखंड गिरिडीह से अमित विक्रम की रिपोर्ट। मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे सरकार में काम कर रहे कर्मचारी हो, सभी लोग इस सरकार से प्रस्ताव करते हैं और सभी के ऊपर सरकार अत्याचार के कोड़े बरसा रहे हैं। आज आप देखेंगे सरकार से कोई हक अधिकार मांगता है या तो पुलिस की गोली खानी पड़ती है या पुलिस की लाठी डंडे खा करके जेल जाने पर मजबूर होना पड़ता है। आज सरकार बनते ही 2014 से यहाँ पर आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के ऊपर अनगिनत अत्याचारे भरी है। मामलिक जी के नाम पर अनेकों अल्पसंख्यक साथियों की जानें जा चुकी है और जो लोग हत्यारे हैं उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी का लोग माला पहना करके स्वाभिमान अभिनंदन करता है। ऐसे ही है इस राज्य में जो स्थिति है, लगता है कि आप इस राज्य में सरकार का नहीं गुंडों मवालियों का राज चल रहा है। आज इतनी नालायक, इतनी निकम्मी सरकार इस 18 सालों में नहीं बन पाई। आज इस सरकार ने लगातार इस राज के हक अधिकार दूसरे को देने कर अनेकों षड्यंत्र रचा। आप लोगों ने विशेषकर नौजवान तो इसके ताजा उदाहरण रहे, चाहे इंजीनियर की बहाली हो, चाहे वो डॉक्टर की बहाली हो, चाहे शिक्षक की बहाली हो, चाहे थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड चपरासी की बहाली हो, सभी बहाली दूसरे राज्यों के लोगों को मिल रहा है और सरकार और मंत्री यहाँ कहते हैं कि यहाँ के नौजवानों में काबिलियत नहीं है यहाँ के शिक्षक बनने, चपरासी बनने, इसलिए ये दूसरे राज्य के लोगों को यहाँ पर नौकरी में जगह दे रहे। तब ऐसे स्थिति में हमारे राज्य के नौजवानों का क्या होगा? इंजीनियर डॉक्टर तो दूर, चपरासी का नौकरी भी ये लोग यहाँ के लोगों को देने की तैयारी नहीं करेंगे। आज इसीलिए ये विचार करना पड़ेगा कि इस राज्य का हक अधिकार हमको मिलना चाहिए कि यूपी, बिहार और हरियाणा, राजस्थान के लोगों को मिलना चाहिए। हम आप लोगों से जानना चाहते यहाँ का रोजगार स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए।